हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फायर। फायर क्या होता है, फायर कैसे लगता है, उसका चेन रिएक्शन क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फायर क्या होता है, आग क्या होता है, आग कैसे लगती है। तो उसका डेफिनेशन है, फायर इज़ अ केमिकल चेन रिएक्शन बिटवीन हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। तो आग एक ऐसा चेन रिएक्शन है, ऐसा एक मिश्रण है केमिकल का, जो तापमान, ईंधन और ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन होता है, इसकी मदद से आग लगती है। अगर आग को बुझाना हो तो हम इनमें तीनों में से एक को कम करके, जिसको हम मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट कहते हैं, इसका हम मैंने एक वीडियो बनाया है और आप देख सकते हैं। तो इन तीनों के मिश्रण से आग लगती है। तो ये फायर ट्रायंगल क्या होता है, तो हम जानते हैं इस डायग्राम से। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक ट्रायंगल बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन है, हीट है, तापमान है और फ्यूल है। और आप नीचे देख सकते हैं चेन रिएक्शन लिखा हुआ है। तो एक केमिकल का चेन रिएक्शन होने के बाद एक फायर का रिएक्शन आ जाता है, एक फायर लगता है। अगर हम इन तीनों में से एक भी निकाल दें, जैसे हम एक आग लगी है उसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, या हीट को रिमूव कर देते हैं, या फ्यूल को रिमूव करते हैं, तो आग का एक्सटिंग्विश हो जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये चेन रिएक्शन क्या होता है, तो हम इन जानते हैं डेफिनेशन से। बाय प्रोडक्ट्स जैसे जो आग लगने के लिए जो मदद करता है, हेल्प करता है, वो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स हो गए, एडिशनल रिएक्शन टू टेक प्लेस। और उसका जो ऑक्सीजन, अभी तापमान हो गया है, फ्यूल हो गया, और उसकी ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे रिएक्टिव एडिशनल रिएक्शन टू टेक प्लेस। इन चेन रिएक्शन पॉजिटिव फीडबैक लीड्स टू अ सेल्फ एम्पलीफाइंग चेन ऑफ इवेंट। तो ये तीनों के मिश्रण से एक आग लगता है, तो इस चेन रिएक्शन का मतलब होता है। होप आपको ये समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में भी। तो कुछ यहाँ पे छह टाइप के मैंने क्लासिफिकेशन बताए, क्लासेस बताए हैं, आप एक एक करके रीड कर सकते हैं। इसमें क्लास ए में होता है सॉलिड मटेरियल से जो लगता है सॉलिड फायर, क्लास बी से फ्लेमेबल लिक्विड्स, लिक्विड फायर, क्लास सी से गैसेस फायर, क्लास डी से मेटल फायर, क्लास ई से इलेक्ट्रिक फायर, क्लास एफ जो कुकिंग अपने किचन में लगते हैं वो क्लास एफ में आते हैं। होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या और आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।